हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्ज़ाम ऑफ एमएनएस, बिकॉज एज ऑल ऑफ यू नो दैट द एमएनएस 2023 इज ओवर नाउ एंड देयर इज नो होप लेफ्ट। आई हैव टू से दिस, बट ओके मैनी ऑफ यू विल फील वेड, बट आई हैव टू से दैट एमएनएस 2023 इज ओवर। जिसका होना था उसका हो गया, जिसका रहना था वो रह गया। अब किसी का कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज जिसमें जो भी मेल या फिर जॉइनिंग लेटर्स आए हैं और ए सेकंड मेरिट लिस्ट भी, वो आज में या कल में पब्लिश कर देंगे, दो तीन दिन में मे भी कल आ जाएगी शाम तक, ठीक है। उसमें जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, दे वर ईगरली वेटिंग फॉर दिस। उनको चाहिए था कि उनको मेल या जॉइनिंग लेटर्स आए सो दे कैन जॉइन। सो एनी वन ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू लेफ्ट द कॉलेज। सो इफ़ एनी वन हैज़ होप कि मतलब उनमें से कोई छोड़ेगा, हमें मेल आ सकता है एंड इट इज़ यर वॉट एवर यू आर थिंकिंग, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिट्स, तो प्लीज़ डोंट स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज एमएनएस 23 इज़ फाइनली ओवर नाउ। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज एमएनएस 23 इज़ हैज़ बीन फाइनली ओवर एंड प्लीज़ कम आउट फ्रॉम योर डिप्रेशन, एनजाइटी और फीलिंग वेड वाला जून, बिकॉज इट हैज़ बिन ओवर। मत अब उसमें ही अटके रहोगे तो फिर 2024 के भी कहीं ठिकाने नहीं बचेंगे। लेट मी क्लेवर दिस, मे बी आई कैन बी रूड, बट टेक मी एज योर मेंटोर यू कैन से, बट आई एम गोइंग टू गिव यू द राइट एडवाइस एट दिस टाइम एंड आई एम लिटरली सेइंग कि मैं कुछ भी गलत नहीं जा रही हूँ आप लोगों के लिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट वॉट इज नेक्स्ट, ठीक है। सो दिस कैन बी अ टॉपिक टू of a discussion, so let me just again. So firstly, I just wanted to ask you, do you really want to repeat, like आपको करना है वापस, नहीं देना है वापस, है मैंने इसका प्रिपरेशन करना है। सेकेंड इज़ कैन यू वर्क हार्ड, थर्ड इज़ कैन यू स्कोर 500 प्लस और 510 प्लस इन 2023। इट मे साउंड लाइक वियर्ड, बट इट इज़ द रियलिटी ऑफ MNS 2023 एग्ज़ाम। इफ़ यू आर इन जनरल OBC और EWS कैटेगरी, देन यू रियली हैव टू स्कोर 500 प्लस, ठीक है। इस साल चलो ठीक है, एक दो मार्क्स कम में भी हो गए, बट इफ़ यू आर लाइक रियली प्रिपेयरिंग फॉर दैट MNS 2024, देन यू हैव टू स्कोर 500 प्लस इफ़ यू आर इन जनरल OBC और EWS कैटेगरी। SC ST कैटेगरी दे कैन हैव अ रिलीफ, और NCC कैंडिडेट दे कैन स्कोर लाइक 400 प्लस में भी उनका चल जाता है, बिकॉज इस साल जो एक मतलब गर्ल है उसका 350 प्लस पे भी 350 पर भी हुआ है, एंड उसका लिटरली आप उसके सिर्फ मार्क्स में से देखो, उसके पास में बहुत सारे और भी सर्टिफिकेट्स थे। आई जस्ट रीड हर कमेंट इन अ वीडियो, शी वाज सेइंग दैट शी हैज़ 5 नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और आई थिंक 2 और समथिंग स्टेट लेवल। सो द नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ स्पोर्ट्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हर सिलेक्शन प्रोसेस, सो प्लीज़ डोंट कंसिडर हर कास्ट ओनली, because she has worked really hard and she has done very well in her sports also. So the sport and sports certificates have played a very good role in her exam or selection. Okay, so now please answer me that if, so the main thing is if you can work hard with the consistency, then only take a drop. Like if you can work hard, as all of you know that only 6 months are left, okay. अक्टूबर हैज़ गॉन, टुडे इज 18 अक्टूबर, ठीक, तो अब कुछ बचा ही नहीं अक्टूबर में, तो ठीक है, तो अक्टूबर हैज़ गॉन। नाउ द थिंग इज़ कि 6 महीने बचे हैं, ठीक, और 6 महीने में मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी ने भी साइंस की बुक उठा के भी देखी होंगी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो सब लोग, क्योंकि पहले उसके CBT एग्ज़ाम दैट इज़ जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वॉट एवर, उसमें जो आता है उनकी CBT एग्ज़ाम में उसको प्रिपेयर कर रहे थे। फिर 1 महीना उन्होंने कि रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, उसमें वेस्ट किया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट और 1-1.5 महीने से आप लोग रिजल्ट में ही उलझे हुए हो कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। 1 महीने तक वो इंटरव्यू चले थे, ठीक है, तो 2 महीने तो रिजल्ट और इंटरव्यू ने बर्बाद कर दिए, 3 महीने वो अपने CPT और उसकी प्रिपरेशन में बर्बाद कर दिए। बाकी मुझे पक्का यकीन है कि 15 से 20 दिन आप ये सोचने में बर्बाद कर दोगे, कर दिए हैं और कर भी दोगे कि यार हमारा नहीं होगा, अब हमारा क्या होगा, ठीक है। और लेट मी टेल यू दिस कि जिनका भी हुआ है ना, उसमें से 80-90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने MNS को एज अ साइड ऑप्शन लेके चला था, मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि उन्होंने पर्टिकुलरली MNS के लिए नहीं किया था, ठीक।
उन्होंने नीट को एम किया था, देन दे स्कोर वेल इन दे स्कोर वेल इन देयर नीट एग्जाम एंड दे एक्सेप्शनली सिलेक्टेड इन द MNS एग्जाम 2024 also. So I just wanted to say if you can work hard with the consistency because 6 months are left and syllabus is very vast. So you have to work hard and you have to give your best with consistency. ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पढ़े और एक चलो 2-4 दिन तो इतना पढ़े कि 10-12 घंटे एंड तीसरे दिन या चौथे दिन या पाँचवें दिन एकदम पढ़ाई नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो रूटीन में नहीं आ पाता है. एक साथ आप मेहनत करना स्टार्ट करते हो तो गड़बड़ जाता है. आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन द रूटीन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ 75 डेज चैलेंज. Actually, I have planned this channel for my students also. I teach some children, so I'm going to give them this challenge from, I think, what is today's date? 18 October, na? Then I'm going, their challenge will start from the 20th October. So if you want to join, then you can join that challenge. I'm going to share the details of that challenge in tomorrow's video, so you can watch that video. If you want to join, then please join that. Okay, so the all your questions are clear now. Firstly, if you want to repeat, okay, give a chance to yourself and take a drop. Second is, can you work hard? You have to work hard if you want to get selected. Otherwise, इस साल जैसा हुआ है ना वैसा ही होगा, वही तुम स्कोर करोगे 400 से 450 के बीच में, फिर आपका नहीं होगा. ठीक है, 500 तक भी करोगे तब भी नहीं होगा. दिस इज द रियलिटी. ठीक, क्योंकि हर साल कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ है. लास्ट ईयर के जो मार्क्स है ना, जैसे बच्चे बोल रहे थे 360 पर हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर हो गया था. इस साल 360 वाले भटके भी नहीं है. 360 तो छोड़ो, 460 वालों का तक नहीं हुआ है. ठीक है, तो वो देख रहे हो कि कितना मतलब कट ऑफ एक ही साल में इंक्रीज हुआ है. 140 मार्क्स प्लस हुआ है, 130 मार्क्स. ठीक है, तो अगर ये चाहते हो कि इस साल भी, जैसे अभी लास्ट तक आप लोग यही सोचते रह गए यार हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, अगली साल भी अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो यही रह जाएगा. फिर देने जाओगे 450 या फिर 400 नंबर पे अपना इंटरव्यू, CBT और मेडिकल एग्ज़ाम स्क्रीनिंग प्रोसेस को लोग आपको लिए आपको बुलाएंगे, बट सिलेक्शन फिर भी आपका नहीं होगा. दिस इज़ द रियलिटी. सो इफ़ यू वांट टू गेट सेलेक्ट देन यू हैव टू स्कोर 500+. ठीक है, और SC ST वाले भी ना, लिटरली आई एम सेइंग कि इस साल अगर आप सोच रहे हो ना 350+ पर हो गया, लास्ट ईयर 200+ पर हुआ था उनका. ठीक है, और इस साल कट ऑफ इंक्रीज़ हो गया 350+ हो गया है. ठीक, और अगले साल के लिए प्लीज़ टेक इट एज अ 400+, बिकॉज नीट बहुत बच्चे देते हैं. SC ST वाले भी बहुत अच्छे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं. ठीक है, तो उन्हें SC ST का रिजर्वेशन कितना है, ओनली 15 सीट्स हैं. ठीक है, NCC की है 25, तो SC ST वालों की तो ओनली 15 है. तो ऐसा मैं सोचो कि उनका रिजर्वेशन कुछ ज़्यादा है. हाँ ठीक है, जनरल वालों की तरफ की वजह से थोड़ी सी सीट ज़्यादा है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है. तो देन यू हैव टू वर्क हार्ड. अगर मेहनत कर सकते हो तभी ड्रॉप लेना, अदरवाइज़ कुछ ऐसा देख लो जिसमें आप मेहनत करके कुछ रिजल्ट तो मिले. कहीं ऐसा ना हो कि 3-4 साल आप ऐसे ही वेस्ट कर दो कि अच्छा इस बार नहीं इस बार हो जाएगा, इस बार नहीं इस बार हो जाएगा. आपका नंबर्स का रेंज वही है, स्क्रीनिंग प्रोसेस देके आते रहो लेकिन सिलेक्शन ना हो, तो इससे कुछ होगा नहीं. इससे अच्छा तो वहाँ टाइम इन्वेस्ट करो जहाँ से कुछ रिटर्न मिले. ठीक, सो इफ़ यू वॉन्ट समथिंग देन प्लीज़ वर्क हार्ड फॉर इट, एंड समथिंग इज़ कमिंग टुमारो फॉर ऑल ऑफ यू. सो इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इन ऑल योर सिचुएशन, बैड गुड, बट आपको फेथ करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो उसके लिए आपको वेट करना है टिल टुमारो, और मैं उसमें सारी वीडियोज़ को मतलब सारी डिटेल्स को शेयर करूँगी कैसे क्या करना है 75 डेज तक. अगर आप लोगों को पहले वीक में फॉलो करके देखो, अगर हेल्पफुल रहे तो उसको करना. एंड फर्स्ट एंड एक वीडियो है जिसमें आपको बताने वाली हूँ कि आपको कहाँ से करना है सिलेबस, यूट्यूब से करना है, ऑनलाइन कोचिंग से करना है, ऑफलाइन से करना है. ठीक है, दिस इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू दैट टू. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट्स हु इज वेटिंग स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि उनका आ सकता है. ठीक है, तो शेयर दिस वीडियो टू द दोज कैंडिडेट्स ऑल्सो. सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ डोंट गेट डिप्रेस्ड, एवरीथिंग विल बी गुड. द थिंग इज़ ओनली कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी, इस साल थोड़ी और ज़्यादा करेंगे, मिलकर करेंगे, कुछ अच्छा ही हुआ. कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम सेइंग कोई भी सिंगल, प्लीज़ टेल मी, आई विल हेल्प यू ऑल. ठीक है, डिप्रेस नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और दुखी तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि दुखी में से ना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है. तो चेयर अप योर सेल्फ एंड सबको समेटो. हो गया चलो ठीक है, रोना धोना एक दिन अच्छे से बैठ के रो लो धो लो, रो लो अच्छे से, जो भी है किसी से बात कर लो, फ्रेंड है, मम्मी है, पापा हैं, जिससे क्लोज हो उससे बात कर लो, एंड देन प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है. सारे बच्चे लगे हुए हैं, अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और
बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते उतनी मेहनत करते हैं। बस खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, कोचिंग जाते हैं, अगर कोचिंग जाना होता है। जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनका तो सिर्फ इतना सा है कि खाते पीते नहाते हैं और अपनी स्टडी टेबल पर वापस बैठ जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर सीट चाहिए तो, वरना कोई ऐसा उस सीट को लेकर चला जाएगा जिसके लिए वो साइड ऑप्शन होती है, ठीक है। तो अगर चाहिए तो मेहनत करो, अदरवाइज फिर अगले साल वही होगा सेम जो इस साल हुआ है, ठीक है। तो पहले तो ये मन बनाओ कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सो बाय बाय। एंड अगर कुछ मतलब ऐसा लगाओ कि दीदी डिप्रेस कर रही हैं या कुछ और कर रही हैं, देन आई एम रियली सॉरी, बट मैं लिटरली आप लोगों को कुछ भी डिमोटिवेट वगैरह नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी, ओके। सो थैंक यू एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट गेट डिप्रेस्ड एंड डोंट गेट सैड ऑल्सो यार, मतलब बहुत बड़ी ज़िंदगी है। चलो ठीक है, हो गया सो हो गया, बट आगे ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।